हेलो गाइस, वेलकम टू अपर्णास रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हम सभी का फेवरेट केक की रेसिपी। और हम आज जो केक बनाने जा रहे हैं, ना हम उसमें मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना किसी बटर का, ना ही मलाई का, और ना ही बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडे का। और आज हम जो केक बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ सूजी से। तो आज जो हम केक बनाने जा रहे हैं, वो खाने में बहुत टेस्टी है और बनने में बहुत ज़्यादा ईजी। तो बनाते हैं सूजी केक। सूजी केक बनाने के लिए हमने ले लिया है एक बाउल नॉर्मल वाली सूजी। आपके पास जो भी सूजी हो आप उसे ले सकती है। अगर सूजी मोटी है तो आप उसे ग्राइंड करके पीस लीजिएगा, जिससे कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमने ले लिए। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी बाउल से सब सामग्री का मेजरमेंट ले रहे हैं वो एक ही बाउल से हो। तो हमने ले लिए एक बाउल नॉर्मल वाली सूजी, साथ ही हमने ले लिया है आधे बाउल से थोड़ा ज़्यादा चीनी। ये नॉर्मल चीनी ले ली है, आप इसके बदले पीसी चीनी भी ले सकते हैं। और साथ ही हमने ले लिया है एक बाउल दही। ये दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, एकदम फ्रेश दही है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप जो दूध होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा किया हुआ, वो आप एक बाउल दूध ले सकती है, या तो फिर आप आधा बाउल दही और आधा बाउल दूध भी ले सकती है। और साथ ही हमने ले लिया है आधा बाउल से थोड़ा कम तेल लिया है। ये नॉर्मल तेल है, इसके बाद जैसे कि आप ग्राउंड नट तेल होता है, या फिर सनफ्लावर ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है, वो आप ले सकती है। तो हमने ले लिया है आधे बाउल से कम तेल, और साथ ही लिया है एसेंस। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ सूजी केक। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं सूजी केक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो ये सूजी है ये थोड़ी सी मोटी है, तो हमने ले लिया है एक मिक्सी का जार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सूजी है मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने से क्या होता है ना, इसका रिज़ल्ट बहुत बेस्ट आता है। देखिए, इस तरह से हमने सूजी को ग्राइंड कर लिया है। हम इसका बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, बस उसके हल्का सा ग्राइंड कर लेना है, ताकि जो थोड़ी मोटी सूजी हो एक समान हो जाए। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं अलग पॉट में, और अब हम चीनी को भी ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, हमने सूजी और चीनी दोनों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। चाहे तो आप दोनों को बड़े मिक्सी के जार में डालकर भी दोनों को एक साथ ग्राइंड कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं सूजी केक, जिसके लिए हमने एक बड़े बाउल में ले लिया है एक बाउल दही। ये दही बिल्कुल फ्रेश दही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिस बाउल से आप सूजी लेंगे उसी बाउल से आप दही भी लेंगे, और उसी बाउल से बाकी सामग्री का भी आप मेजरमेंट करेंगे। तो हमने ले लिया है एक बाउल दही, उसमें हम डाल देंगे आधे बाउल से कम तेल, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बीटर की सहायता से दोनों को एक सार कर देंगे, और इससे करीबन 5 मिनट तक ऐसे ही फेंट लेंगे। देखिए, हमने दही और तेल को अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर नमक। नमक डालने से क्या होता है ना, जो मीठे का टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। तो आप इसमें चुटकी भर नमक ज़रूर डालिए, और साथ ही अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बारीक किया था सूजी को, उसको इसमें धीरे धीरे करके डाल देंगे। एक साथ नहीं डालना है हमें इसे, धीरे धीरे डाल के इसे मिक्स करते जाएंगे। और साथ ही जो चीनी है, पीसी हुई चीनी, उसको भी इसमें डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, तो आप उसमें आधा कप दूध डाल सकती हैं। देखिए, हमने केक की सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 5-6 ड्रॉप डाल देंगे वनीला एसेंस। आप वनीला एसेंस अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकती हैं। करीबन आधा छोटा चम्मच डाल दिया है हमने वनीला एसेंस, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे।
देखिए हमने वनीला एसेंस को बैटर में अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये हमारा बैटर बनके तैयार है। अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली लग रही होगी, लेकिन इसमें हमने सूजी डाली है, सूजी वाला केक है, तो क्या होगा ना कि सूजी पूरे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये सूजी अभी फूलेगी। तो इसे अच्छे से हमने बैटर को मिक्स कर दिया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक करके रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। आज हम जो सूजी केक बनाने जा रहे हैं उसे हम माइक्रोवेव या फिर ओवन में नहीं बना रहे हैं, हम उसे बनाने जा रहे हैं कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई में केक बनाना बहुत इजी होता है, क्योंकि सबके घर माइक्रोवेव नहीं होते और कढ़ाई का जो केक का जो रिज़ल्ट होता है बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। आपको केक बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप कढ़ाई ले रहे हैं या फिर बर्तन ले रहे हैं या फिर आप कुकर में केक बना रहे हैं, तो जो बर्तन है वो आपका मोटा होना चाहिए, उसका हैवी बॉटम वाला होना चाहिए। तो हमने ले लिए एक मोटी वाली कढ़ाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस को ऑन कर देंगे, क्योंकि केक बनाने के पहले कढ़ाई को प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप माइक्रोवेव में भी केक बनाते हैं तो माइक्रोवेव को भी प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई में रख देंगे एक ऐसी जाली, जो नॉर्मल जाली होती है उसको ऐसे रख देंगे, और कढ़ाई को अभी मीडियम फ्लेम पर ढक्कन ढक कर गर्म होने देंगे। जब तक हमारा केक का बैटर रेस्ट कर रहा है और हमारी जो कढ़ाई है उसे हम प्रीहीट कर रहे हैं, तब तक हम क्या करेंगे, जो हमारा केक का टीन है जिसमें कि हम केक बनाने वाले हैं उसे हम घी से ग्रीस कर लेंगे। इसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लेते हैं ताकि इसमें केक चिपके नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इस पर बटर पेपर भी बिछा सकती हैं। देखिए हमने केक टिन को घी से अच्छी तरह से चारों तरफ से घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा मैदा और इसे अच्छे से सब तरफ फैला लेंगे, और एक्स्ट्रा जो मैदा है उसे हम निकाल के अलग कर लेंगे। देखिए मैदे को भी अच्छे से इस पर स्प्रिंकल कर लिया है और जो एक्स्ट्रा मैदा है इसको हम अलग निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा केक कटिंग तैयार है। देखिए जो हमारा केक का बैटर है जिसने कि 15 मिनट रेस्ट कर लिया है और ये सूजी है फूल गई है और जो हमारा बैटर है गाढ़ा हो गया है, लेकिन एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी, बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे, ये हमने ले लिया है आधा बाउल बारीक कटे हुए खजूर। आप खजूर के बदले टूटी फूटी भी डाल सकती है, जो आपका मन चाहे आप इसमें डाल सकती है, लेकिन इसमें खजूर का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और खजूर को बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो आप अगर आप उसमें खजूर भी डाल रहे हैं तो आप उसमें चीनी की मात्रा थोड़ा कम कर लीजिए। खजूर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब खजूर के बाइट्स मुंह में आते हैं ना तो बहुत बढ़िया लगते हैं। या आप चाहे तो टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, जो आपका मन चाहे, या आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम आज इसमें सोडा या फिर बेकिंग पाउडर नहीं डाल रहे हैं, आज हम इसमें डाल रहे हैं इनो। तो इनो से इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो इसमें हम डाल देंगे एक शेष इनो। अगर आप इनो आपके पास में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आधा छोटा चम्मच खाने का सोडा और एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर ले सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए इसमें डाल देते हैं एक चम्मच दूध। देखिए बढ़िया। तो अब क्या करना है, हमें इसे फटाफट मिक्स करना है कट एंड फोल्ड मेथड से, और इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, बस इसे मिक्स हो जाना चाहिए, इतना ही हमें इसे मिक्स करना है, क्योंकि एक बार इनो या फिर सोडा डालने के बाद बैटर को नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत बेक करने के लिए रख देना चाहिए। तो बस फटाफट अपने बैटर को हम मिक्स कर लेते हैं और ये हमारा बैटर बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डाल देते हैं केक टीन में। केक के मिश्रण को हमने केक टिन में डाल दिया है। अब हम इसे हल्का सा टैप करेंगे ताकि इसमें जितनी भी एयर हो निकल जाए। केक को हमने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है थोड़े से खजूर और थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम से। अब हम इसे बेक करने रखते हैं। अब हम अपने इस केक के बैटर को
15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक करने के लिए रख देंगे और हम इसे 30 मिनट के बाद में चेक करेंगे। अगर आप इसे माइक्रोवेव में रखना चाहते हैं तो आप 180 डिग्री पर 20 से 25 मिनट तक बेक कर सकते हैं। तो इस पर ढक देते हैं ढक्कन, जिससे कि इसके एयर बाहर ना जाए, और इससे 25 से 30 मिनट तक बेक होने के लिए रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा सूजी केक है जिसे कि हमने 30 से 35 मिनट तक पका लिया है, एक बार केक को हम चेक कर लेते हैं। वाओ, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, एकदम परफेक्ट कलर। एक बार हम इसे चाकू डाल के चेक कर लेते हैं, या तो आप इसे टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं। देखिए, और ये केक हमारा पक करके बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना बढ़िया बनाया है, कितना बढ़िया कलर आया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे 2 मिनट ढक करके फिर से ऐसे ही रख देते हैं ताकि केक भाप में और पक जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सूजी केक है बनके तैयार है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसे प्लेट में निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा सुपर टेस्टी, सुपर यमी, सुपर डिलीशियस, झटपट बनने वाला, बिल्कुल अयंगर बेकरी स्टाइल सूजी केक। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही नई नई रेसिपी लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खाते रहिए, खिलाते रहिए।